योगी सरकार 2.0 ने आज विधानसभा में अपना बजट पेश किया। बजट के बाद तमाम विपक्षी दलों के रिएक्शन भी देखने को मिले हैं। इसी को लेकर जनता टीवी ने कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश योगी 2 सरकार का आज पहला बजट पेश हुआ है। 6.25 लाख करोड़ का है, भारी भरकम सरकार बता रही है। और इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना जी हैं। सरकार कह रही सबसे बड़ा अब तक का बजट है, किस तरीके से आप देखती हैं? पूरी तरह से निराशाजनक बजट है। आंकड़े भले ही बड़े कर दिए हो, सरकार ने 6.25 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, पर कहीं भी इस बजट में कोई भी रोड मैप उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नहीं है। पिछली जो योजनाएं चल रही थी उन्हीं को रिपैकेज करके आपने उसमें दे दिया। कोई भी एक ऐसी योजना जो नौजवानों के रोजगार से संबंधित हो, किसानों के लिए हो, एजुकेशन से संबंधित हो या स्वास्थ्य से, ऐसी कोई भी बड़ी योजना इस सरकार ने इस बजट में उसका कहीं प्रावधान नहीं किया है। कहाँ है 33% महिलाओं का आरक्षण जिसकी लगातार हम मांग करते रहे। तो पूरी तरह से जो सरकार ने चुनाव के पहले वायदे भी किए थे वो भी खोखले साबित हुए। सीएम योगी कह रहे थे कि 130 संकल्प पत्र में हमने जनता से वादे किए थे चुनाव से पहले, जिसमें 97 इसी बजट में मैंने उसमें जगह दी है। निश्चित रूप से उम्मीदों का बजट है, सबके विकास का बजट है। अब मुझे नहीं, मैंने तो बजट सुना और बजट पढ़ा और बजट देखा भी। कोई भी ऐसी चीज मैंने फिर मैं दोहराना चाहती हूँ कि जो पहले चल रही थी, जो सरकार ने जो चला रही थी उसको ही उन्होंने आगे बढ़ा दिया। अब इन्होंने कहा कि हम हर जिले मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। कितनी बड़ी परिहास का विषय है कि अगर हर जिले मेडिकल कॉलेज खुलेगा हम सब उसका स्वागत करते हैं, पर उसमें डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, उसमें टीचर्स कहाँ से आएंगे? तो ये तो आप एक भ्रमित करने वाली बात कर रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे पर वो क्रियाशील तो हो नहीं सकता है। इसी तरह से ट्रॉमा सेंटर्स जो बने हुए हैं वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उनमें डॉक्टर्स नहीं है। दूसरी ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं, उससे क्या उम्मीदें हैं कुछ? मैं कह रही हूँ कि उसमें सर इन्होंने पिछली जब पार्ट वन सरकार थी तो उन्होंने कहा था 20 लाख नौकरी हम हर साल देंगे। और इसी विधानसभा में अंतिम विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हम 4.25 लाख 4.5 लाख रोजगार सरकारी नौकरियां दे पाए हैं। तो ये तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो उन्होंने घोषणा की थी वो पूरी नहीं कर पाए। कि डबल इंजन की सरकार, जहां पे पूरा केंद्र सरकार का समर्थन है प्रदेश सरकार को, उस वहां पे भी सरकार कुछ नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। शुक्रिया। तो मोना मिश्रा जी थी जिनका कहना था कि पूरे बजट पे मार्किंग की कोई उपस्थिति नहीं है, माइनस मार्किंग होनी चाहिए। जिस तरीके से जनता की उम्मीदें थी, शायद उस जो उम्मीदें जनता की थी वो उस पे नहीं पूरी हो पाई बजट में। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।